फर्स्ट ईयर क्लास, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है किसके हवाले से जी, प्रोटीन्स के हवाले से। तो अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स है क्या चीज? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ इमानो एसिड्स कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पॉलीमर्स किस चीज के हैं जी? इमाइनो एसिड्स के, इमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। लेकिन साथ में क्या चीजें हैं? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये एसेंशियल चीजें हैं, कंस्टिट्यूटेंट्स हैं प्रोटीन्स के। इन्हीं के मिलने से प्रोटीन बिल्ड होते हैं और बनते हैं। अब एक बात और आपको बताते चले एक्स्ट्रा, 20 टाइप्स ऑफ इमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। इसका क्या मतलब है कि 20 किस्म के इमाइनो एसिड्स जो हैं ये प्रोटीन को बिल्ड करते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स की अशकाल को बनाते हैं, ठीक है, ये शेप देते हैं 20 टाइप्स ऑफ इमाइनो एसिड्स। हाँ जी, फिर नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट जो है ये है जी बिल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। सेल की इन्होंने स्ट्रक्चर को बनाना है। सेल की स्ट्रक्चर में अगर हम चीजें देख लें तो कॉमनली हम कह सकते हैं सेल वॉल। क्या चीज? सेल वॉल या मेम्ब्रेन। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को ये बिल्ड करते हैं। सेकंड नंबर पे इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी हमारे बॉडी में, किसी और जानदार की बॉडी में जितने भी किस्म के इंजाइम्स हैं, तो ये किससे बने हुए जी? प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। तो ये तीन फंक्शंस या इंपॉर्टेंट्स होगी। नंबर फोर पे क्या चीज है जी? मोस्ट हार्मोन्स आर प्रोटीनियस, ठीक है जी। जितने भी मतलब के इंजाइम तो प्रोटीन के बने जी, ये क्लियर होगी बात। लेकिन एक और चीज, हार्मोन्स भी, अक्सरियत जो हार्मोन्स की है ये भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद जी सम वर्क एज कैरियर। कौन कैरियर का वर्क कर रहा है? प्रोटीन्स। अच्छा, अब कैरियर में ये क्या काम करेंगे? ये डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, फैट्स, एनर्जी सब्सटेंसेस को रिले आउट करते हैं सेल की बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है जी कैरियर का ये रोल प्ले कर रहे हैं। सम आर एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या चीजें हैं? जरासीम कुछ चीजें हैं, जरासीम कुछ चीजों हैं। इन्होंने जरासीम से लड़ना होता है। एंटीबॉडीज ये बॉडी को जरासीम से डिफेंड करते हैं, ये जरासीम से बॉडी को डिफेंड करते हैं, ठीक है। ये मतलब सिक्योरिटी, एक फौज है जिस्म की, उसके तौर पे भी ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। अच्छा जी, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स ये कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीएस, आरबीसीएस का टेस्ट जो करवाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन। तो ये ब्लड क्लॉटिंग, जब हमें इंजरी होती है, कोई भी जख्म या कट लगता है, तो ये खून को मुंजमिद कर देते हैं, खून को अपने काबू में कर देते हैं, प्लेट का काम करते हैं। तो इनको इसलिए ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रोटीन्स का रोल देखा गया, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स भी प्रोटीन के बने हुए हैं। अच्छा जी, काज मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जानदार को स्टेबिलिटी देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इस वजह से काज मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी, तो हमने मतलब लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा कि 20 टाइप्स ऑफ इमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है जी। तो अब मतलब क्या है, मेन चीज क्या है इनकी बिल्ड में? मतलब एक कमरा बना रहे हैं, उसके अंदर मेन चीज क्या है? ईंटे हैं। तो इसमें मेन चीज क्या है? इमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो अब हम इमाइनो एसिड की तरफ आते हैं। इमाइनो एसिड्स नेक्स्ट स्टेप है इस लेक्चर में। इमाइनो एसिड्स
एमिनो एसिड क्या चीज है? हैविंग एन इमाइनो ग्रुप. इमाइनो ग्रुप क्या है? NH2 एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, यानी के कार्बन ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोक्सिल, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया. अटैच टू सेम कार्बन एटम आर सो कॉल्ड अल्फा कार्बन. अब इसकी मैं आपको वजात देता हूँ, ठीक है जी. ये किस तरह से वो बात क्या कर रहा है, इसकी डेफिनेशन इस फार्मूले से आपको जाहिर हो जाएगी. ये जो फार्मूला है, दरमियान में ये अल्फा कार्बन है, ये सेंटर में जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे और इमाइनो ग्रुप यहाँ पे, ठीक है जी. तो इसे क्या कहते हैं जी, अल्फा कार्बन. यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, यहाँ पे एल्डिहाइड वगैरह वगैरह कोई चीज भी अटैच हो सकती है. तो ये आपको क्या दे रहा है, कंप्लीट सिक्वेंस और डेफिनेशन दे रहा है किसकी, इमाइनो एसिड की. अच्छा जी, फिर नेक्स्ट जो चीज है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम इमाइनो एसिड्स. प्रोटीन किस तरह से बनते हैं जी, हमें पता चल गया इमाइनो एसिड कंस्टिट्यूएंट्स है, तो प्रोटीन ने इमाइनो एसिड से किस तरह से बनना है, वो स्टेप क्या है, हमें किस तरह से पता चलेगा कौन सा प्रोसेस है, कैसे बन रहे हैं, तो उसकी तरह आते हैं. इमाइन ग्रुप ऑफ वन इमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर इमाइनो एसिड एंड CN बॉन्ड इज फॉर्म्ड. कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये हमें क्या बता रहा है जी, के पेप्टाइड बॉन्डिंग के जरिए से, पेप्टाइड बॉन्डिंग के जरिए से क्या बन रहा है जी, प्रोटीन्स बनते हैं. अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं किस जरिए से जी, पेप्टाइड बॉन्डिंग के जरिए से. अच्छा, प्रोटीन्स में जो चीजें जुज्व काम करती हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा लेती हैं, वो कौन सी है, ग्लाइसाइन और एलेनाइन. ग्लाइसाइन और एलेनाइन तो वो यहाँ पे है, मैंने फार्मूला ये बनाया है, आपके सिलेबस में भी शामिल है, तो इसकी वजाहत के लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया है. आप इसको देखते हैं जी, यहाँ पे इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है जी ग्लाइसाइन का, ठीक है जी. नाइट्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन. अच्छा, इस एलानाइन और ग्लाइसाइन का, एलानाइन का हाइड्रोजन और ग्लाइसाइन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलते हैं तो क्या बन जाता है, H2O वाटर बन जाता है. और नेक्स्ट ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब ये इंटर कन्वर्ट हो सकता है. तो ग्लाइसाइन और एलेनाइन मिलने के बाद यहां पे क्या चीज बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड. ये दरमियान में सेंटर में जो बॉन्डिंग बन रही है इसे क्या कहते हैं जी, पेप्टाइड बॉन्ड. और ये बनता क्या चीज है, ग्लाइसाइन एलेनाइन, ग्लाइसाइन एलेनाइन, इनके मिलने से ग्लाइसिन और एलेनाइन के मिलने से क्या बनता है, ग्लाइसाइन एलेनाइन. ये एक प्रोटीन बन गया और साथ में वाटर रिलीज होना, जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ये वाला वाटर, ये एक ही बनता है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया एंड पे, यही वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है. तो ये था आपका आज का प्रोटीन के हवाले से आपका पहला लेक्चर. नेक्स्ट इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे या स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. फिर मिलेंगे. मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आगे शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.